वालेकुम वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब दस्तगीर साहब, जी सर, आप साथ साथ खरीद कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देख लिए थे आपने प्रोग्राम अपने? जी सर, देख जी लिया, जी देख लिया जी सर। सर जी आज दो दो अर्ज थी मेरी। मेरी जान फरमाएं। सर पहली ये है, इसका नाम मैं अर्ज कर रहा हूँ, इसका नाम है इसका तलाब के फूल। जी किसके फूल? इसका मेरे पास इंग्लिश नाम नहीं है, तो फिलहाल ये इससे गुजारा करना पड़ेगा। क्योंकि इंडिया में इसकी बड़े पैमाने पर काश होती है, और इसकी खासियत सर ये है कि इसकी बीज, जड़, छाल, फूल, पत्ती और लकड़ी बहुत महंगी सेल होती है। कौन सी चीज की ये बात दरअसल कर कौन सी बात कर रहे हैं? किस चीज की बात कर रहे सर हैं? इसका नाम है तलाश का पेड़। तलाश का पेड़? जी, कलाश या तलाश? नाम पलाश का पेड़ ठीक है, है, आगे। इंग्लिश नाम जी नहीं है मेरे पास। जी बिस्मिल्लाह, और फरमाएं। थोड़ा सा थोड़ा सा डिटेल में आपको अर्ज कर दूं कि 40 साल तक ये दरख्त कायम रहता है, और इसमें एक दरख्त से जो है ना बोल इसकी निकलती है, जिसका नाम है, आपके इल्म में होगा, उसको कमरकस कहते हैं। हाँ, कमरकस। वेरी और गुड वेरी गुड। ये ठीक है बड़े सर, अद्वियात ये में जो है ये। हाँ जी अद्वियात में इसका जो है इस्तेमाल है, और कीमती भी है ये। ये गूंद और सी हो, इसका गूंद गूंद है, गूंद है, गम गम है वो, है ना? गूंद सी है ना कमरकस? बोन होती है, हाँ गूंद होती बोन है। होती है हाँ जो इस तरफ जो है निकाली जाती है, और इसका कमर का इसका नाम है। और सर इसका जो फूल जो होता है ये बिल्कुल ठीक है। जी घरेलू में, ठीक जी है जी सर। और जी बाकी बाकी जो चीजें हैं ये अद्वियात में इस्तेमाल होती है, सारी की सारी पाकिस्तान में इसकी काश के हवाले से प्रोग्राम दरकार। बिल्कुल ठीक है मेरी जान। आपकी फरमाइश सर आंखों पे, और ये मेरे लिए एक नया टॉपिक भी है कमर कस का। मैं वैसे देता रहा हूँ ये, खास तौर पे देसी जब अद्वियात में कहता था ना, ये पीछा मारती थी ये झोटियाँ या भैंसें, तो उनमें कमर कस का मैं इस्तेमाल करवाता रहा हूँ ये देसी इलाज में। ये बहुत ज़बरदस्त है, औरतें भी लेती हैं ये। कमर में दर्द हो जाता है, कमर कस इसीलिए इसको कहते हैं। बल्कि रात को मुझे एक कॉल आई थी, उन्होंने कहा कि जी मेरी कमर में बड़ा दर्द होता है, तो मेरे जहन में उसी वक्त मैंने कमर कस का ही कहा था उनको। नहीं आओ। अच्छा जी, दूसरा सवाल। फिर मैं फिक्र ना करें, मैं सारी चीजें, ये सारी सेफ हैं, ये सेव हैं। मैं और तर्जुमा हाँ करता हूँ। हाँ जी इसका नाम है नेपाली तराई का। चराइता। जी सर, मैं इंग्लिश में बताता हूँ, CHIRATEA। चराइता जो है ये मेरी जान। चले ठीक है, आप इसका। दो चीजें मैं इस बात कर दूँ। बेसिकली जो इसके फायदे हैं ये बहुत ज्यादा है, मुझे पता है ये बड़ा, खून मैं की इस। एलर्जी, हाँ जी, ये खून की। दाने, खारिश, हाँ कफ, खारी। हाँ बुखार, हाँ जी सफाई, जिगर, मेदे के लिए अच्छी है, और फास्टिक जो मादे हैं जिससे इसके इखराज के लिए बेहतरीन चीज है। मेरी जान, चराइता में एक लाजमी जुज्व है। मेरे जो स्टॉमिक पाउडर का फार्मूला मैं देता हूँ, उसमें चराइता भी डलवाता हूँ। तो अगले रोज़ कोई ज़्यादा दिन दिन नहीं हुए, मैं मुझे एक कोई फॉरेन कंट्री के थे, उन्होंने कहा था कि डॉक्टर साहब ये इनके नाम जो हैं टेक्निकल वो भी लिख दिया करें या बता दिया करें। तो फिर वो मैंने, मैं उसके लिए, मैं जस्ट, चूंकि मैं तो तालिब इल्म हूँ, जिस तरह आपका हुक्म होता है मैं उस पर लग जाता हूँ। और मेरी अर्ज सुने ना, ये मैं, यही तालिब इल्म की यही तो निशानी है कि ये एक स्टूडेंट है, और कभी भी वो अपने आप को कोई देखें। इल्म जो है, हर चीज का इल्म तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास है ना,
और तो ये किसी के पास नहीं है। तो हाड़ियों का तो मैंने उनको लेपिडियम स्टाइवम, ये मैंने गार्डन क्रेस होता है उसका बता दिया था हाड़ियों का। और इसी तरह मैंने एक सेकंड मैं वो एक मैंने नोट्स यहाँ लिखे होते हैं, थोड़ा एक अन ये समझ लें कि अनटाइडी से ये हालात हैं मेरे खुद ही, क्योंकि अकेला हूँ, कोई बंदा, नो बडी इज हेल्पिंग मी, आई एम ऑल अलोन। तो वो तो इसमें ये जो होता है चराइता, इसका नाम होता है सिवर्शिया, इंग्लिश में इसको कहते हैं सिवर्शिया। और सेवर्शिया ये फैमिली है जेंटियानसी, जेंटियानेसी ये फैमिली का नाम है उसकी प्लांट्स का। बड़ा कड़वा होता है, इसकी स्टिक्स ज्यादातर यूज की जाती हैं। बिल्कुल जी फरमाएं। और ये इस पे चराइता लोग लगाते हैं, लेकिन ये कि अच्छा हो गया, आप चाहते हैं कि इसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी दूं। जी मैं सिर्फ एक लफ्ज ऐड करना चाह रहा हूँ कि सबसे बेहतरीन जो है ना वो नेपाल का वो है। क्या चीज, बताओ इसमें सबसे जो क्वालिटी में हाई क्वालिटी है हाँ जी, वो है नेपाली चराइता। नेपाली चराइता, वो हाई, अच्छा वो हाई क्वालिटी। आप हो सकता है हमारे भी, हम नहीं सुने ना, हो सकता है कि हमारे भी जो पहाड़ी इलाके हैं, नॉर्दर्न एरियाज या दूसरे, उनका किसी ने एनालिसिस ही नहीं किया। हो सकता है वो भी बहुत आला हो ये चराइता। खैर एनी हो, पता कर लेते हैं, देख लेता हूँ मैं तो इसमें इंशाल्लाह ताला इसको, इसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी बता दूंगा कैसे और कहाँ और क्या इनकी, इसकी क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स हैं, और दूसरा जो भी मेरे पास इंशाल्लाह इल्म होगा या है वो मैं जो आपको ट्रांसफ़र कर दूंगा। ठीक है, और फरमाएं इसके अलावा। मैं आखिरी जो है चलते चलते सर, तो कल आपसे मेरी बात हुई थी तो आपने एक दृश्य कहा था कि जी खट्टे मीठे जो आम होते हैं वो औरतें पसंद करती है। लेकिन मैं सिर्फ एक जुमला मैं आज करना चाह रहा था कि सिंह के जो आम है उसमें एक नाम आपने भी यूज किया होगा, अनवर रतूल। अनवर रिटोल बहुत जबरदस्त है। हाँ जी, हाँ, तो वो जो है इसमें हल्की सी तुलसी होती है लेकिन जायका उसका हाँ बेहद लजीज होता है। जी, और अनवर रिटोल बहुत जबरदस्त। चलें जी, बात इनकी काल कट गई, या हो सकता है उन्हीं की हो, नहीं उनकी नहीं है। मैं दस्तगीर साहब बहुत मशहूर हूँ, आपने आज के बारे सवालात में नंबर 1 गूंद कतीरा, और दूसरा आपने जो है वो चराइता का प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का कहा। इंशाल्लाह मेरी जान, मैं इन पे तफसील से एक एक पे प्रोग्राम कर दूंगा। दुआओं में आप याद रखें। फी मान ला।